सो वेलकम बैक एवरीबडी, दिस इज लेक्चर नंबर 4 ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तीन लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, चौथा लेक्चर है ये। ठीक है, काफ़ी कुछ हमने कवर कर लिया है। ठीक है, और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पिछला लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इस वजह से क्योंकि पिछले वाले लेक्चर में हमने एनर्जीज और फोटोन का इंट्रोडक्शन कर दिया था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमने पढ़ ली थी पूरी कंप्लीटली। ठीक है, तो आज के लेक्चर को वही से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखते हैं आज कौन कौन से टॉपिक हम कवर अप करते हैं आज के सेशन में। ठीक है, और मैं कंप्लीटली ये कंटेंट आपके जेई नीट एज वेल एज आपके एमयू ट्रिपल ई, तो डाउट में मत रहिए यार, बिल्कुल एमयू ट्रिपल ई के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सो मैं फुल कम्पिटेटिव एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे सेशन को ले रहा हूँ। इवन मैं जब तक पढ़ाऊंगा सारे सेशन मेरे फुल कम्पिटेटिव बेस्ड होंगे। ठीक है, बिफोर मूविंग टू आर मेन कंटेंट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। जो लोग मुझे जानते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। माई सेल्फ शिवम उपाध्याय एंड आई एम योर एमयू ट्रिपल ई केमिस्ट्री एजुकेटर फॉर एसटीबीजी एकेडमी। ठीक है, आई एम जेई मेन क्वालिफाइड कैंडिडेट एंड आई ऑल्सो परसुइंग बीटेक फ्रॉम आईआईटी लखनऊ। ठीक है, अब तो बहुत लोग जान चुके होंगे और मैक्सिमम सब लोग जान ही चुके होंगे, है ना, इतने दिन हो गए यार। और फिर हम डेली डेली लेक्चर भी, ठीक है, कंसिस्टेंट रहते हैं और डेली डेली लेक्चर भी अटेंड कर रहे होते हैं। चलिए जी, तो ये सारी बातें हो चुकी थी। ठीक है, इतनी सारी बातें प्रीवियसली हमने स्टडी कर ली हैं, जिनका जो छूटा है लेक्चर अवेलेबल है, नोट्स आपको मिलते हैं, लेक्चर देखिए, नोट्स रखिए और टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते रहिए जो भी आपके सेशंस आपको पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, और डाउट तो मैं सेशन में ही सारे ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए जी, तो ये हमने प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ये पिछला लेक्चर था हमारा। ठीक है, इसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन कर दिया था पार्टिकल नेचर का, हम पार्टिकल नेचर पर शिफ्ट हो चुके हैं। पहले हमने वेव की बातें करी, फिर उसके अंदर हमने वेव नेचर का हल्का फुल्का पढ़ा, फिर सारे टर्मिनोलॉजीज को पढ़ा, फिर धीरे धीरे हमने पार्टिकल और क्यों आया, मैंने ड्रॉबैक वो से भी समझाया कि जो वेव था एक्चुअली वो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन जैसे फेनोमेना को तो एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए एटॉमिक रेडिएशन का जो एक्सप्लेनेशन था वो फेल हो गया, इस वजह से हम पार्टिकल नेचर में शिफ्ट हो गए थे, है ना जी। तो ये सब हो चुका है हमारा। ठीक, करेक्टरिस्टिक्स हमने देखा, एनर्जी और फोटोन देखा। जी हाँ, एनर्जी में हमने बात की थी कि एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली होती है फ्रीक्वेंसी की, तो क्योंकि ये प्लैंक क्वांटम की थ्योरी थी और प्लैंक ने ही ये चीज़ हमारे लिए इंट्रोड्यूस की थी, इसलिए एच नाम का एक प्लैंक कॉन्स्टेंट एक और आ जाता है, जिसमें जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.6 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड, है ना जी। तो ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में देख चुकी थी। ठीक है, और साथ ही साथ हमने तुमको एनर्जीज के लिए मैंने बताया था कि अगर एन नंबर फोटोन है तो एनर्जी हो जाती है एन एच एफ। ठीक है, या फिर एच न्यू भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी का डिनोशन है। ठीक है, साथ में मैंने तुमको एक मस्त सा कन्वर्जन सिखाया था, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, कन्वर्जन आप देख सकते हैं, बट डायरेक्टली आप याद रखिए, बार बार क्या झंझट कन्फ्यूज होना कि किसमें मल्टीप्लाई करना है किसमें डिवाइड करना है, तो मैंने बहुत सिंपल तरीका बताया था कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाते हैं तो आप मल्टीप्लाई करते हैं, और जब भी आप जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाएंगे तो आप डिवाइड करेंगे। तो थोड़ा मैंने सिंपल बना दिया, बाकी है कुछ नहीं इसके अंदर। ठीक है, चलिए आज के सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं, और आगे कंटिन्यू करने से पहले मैंने आपको बताया था क्या कि मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक वाले फार्मूले दे देता हूँ। ठीक है, हालांकि ये सारे टीचर देते हैं तो मैं भी देता हूँ, ताकि आप लोग जो है ये कन्फ्यूजन ना रहे, और दूसरी चीज़ कि जब बड़े बड़े सवाल होंगे ना वो आप बहुत आसानी से बहुत सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और वो ये है, थोड़ा नोट करिए, ये कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी इस लेवल के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, एक सेकेंड, ठीक है, ऐसे लिखता हूँ, ये जेई नीट और अगर कभी एमयू ट्रिपल ई में आया, हालांकि इस चैप्टर का वेटेज उतना नहीं होता है, मैं झूठ मूठ क्यों बोलूँ तुम लोगों से, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट है तो पढ़ो भाई, जानना जरूरी है। ठीक है, आगे काम आएगा बिल्कुल। सो जेई नीट और एमयू ट्रिपल ई में अगर कभी एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो वो बेसिकली बहुत लंबे लंबे सवाल होंगे, बड़ा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होते हैं उसके अंदर। तो अगर मैं डायरेक्टली आपको एनर्जी का फार्मूला लिख के बताऊं, जैसे हमने पढ़ा था कि ई इक्वल्स टू एच न्यू या फिर एच एफ होता है, और इसी को एच सी बाई लेमडा लिखा जाता है, तो वहां अगर आप एच की वैल्यू को 6.6 × 10⁻³ जूल सेकंड अगर पुट करेंगे, फिर सी की वैल्यू को 3 × 10⁸ पुट करेंगे, और अगर कहीं लैम्डा दे दिया 2 nm × 10⁻⁹, फिर ये इतना लंबा कैलकुलेशंस करने से बेहतर है कि मैं आपको कुछ फॉर्मूले इस नोट कराना चाहता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है किसके लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सबसे पहली चीज मैंने आपको ये भी बताई थी कल के लेक्चर में कि एनर्जी की एक और यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये सारे फॉर्मूले तभी वैलिड होंगे जब एनर्जी आपकी किस में गिवन होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में।
ठीक है, तो मैं इसीलिए आपको ये चीजें बताना चाहता हूँ। और ये एक्चुअली है नहीं कुछ, ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बस एच और सी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डायरेक्ट प्रोडक्ट एक रिजल्ट होता है जो आपको याद होना चाहिए। और वो ये है कि अगर मैं एनर्जी का एक फॉर्मूला यहाँ लिखूँ जो कि फर्स्ट नंबर में करके, सो मैं ये लिख सकता हूँ कि एनर्जी इक्वल टू क्या होती है, देखो एच सी बाई लेमडा, तो एच सी का प्रोडक्ट है अगर मैं 1240 लिखता हूँ तो मेरे को जो लेमडा है वो नीचे अगर नैनोमीटर में, देखो ये एक फॉर्मूला है याद रखो क्या है, मैं थोड़ा ढंग से समझाता हूँ, देखो कैसे आराम से। देखो H और C का प्रोडक्ट अगर 1240 है ऊपर, इट मींस अगर लैम्डा आपको नैनोमीटर में दिया है तो ऊपर आप डायरेक्टली एच सी की जगह क्या यूज कर सकते हैं, 1240। ठीक है, ये वैलिड तभी है जब आपका लैम्डा किस में, नैनोमीटर में हो, और एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहां से जो भी एनर्जी आपको निकलेगी तो आप ये डायरेक्ट रिजल्ट से 1240, और लैम्डा को हमेशा आप नैनोमीटर में रखिएगा, ठीक है, तो आप डायरेक्ट रिजल्ट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था पहला रिजल्ट। दूसरा, इसी में अगर एनर्जी आपको निकालनी है तो 1240 अगर 00 रखते हैं तो इस केस में जो लैम्डा रखेंगे आप वो रखेंगे एंगस्ट्रॉम में। अब लैम्डा है क्या भाई, मैं पीछे बता चुका हूँ, लैम्डा मतलब है क्या, वेवलेंथ। और वेवलेंथ की मीटर के अलावा दो और यूनिट मैं तुमको समझाई थी, एक समझाई थी कौन सी, नैनोमीटर, और एक समझाई थी एंगस्ट्रॉम। तो ये दो फॉर्मूले डायरेक्ट याद रख लो। अब इस केस में आपको जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही मिलेगी, ठीक है, डायरेक्टली आप पिछेज को भी याद रख सकते हैं। यहां से अगर आपको नैनोमीटर में लैम्डा निकालना भी है सो इसी फॉर्मूले को आप थोड़ा सा यहाँ कर देंगे कि अगर लैम्डा आपको नैनोमीटर में चाहिए तो आप 1240 और साथ ही एनर्जी को जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिवाइड कर देंगे तो आपको लैम्डा भी मिल जाएगा इसी फॉर्मूले से। साथ ही में अगर लैम्डा कभी एंगस्ट्रॉम में आपसे पूछ दे एनर्जी दे के, ये भी होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनर्जी पूछेगा, वो एनर्जी दे के लैम्डा भी पूछ सकता है। तो अगर कभी लैम्डा आपसे एंगस्ट्रॉम में पूछ ले तो आप डायरेक्टली इस रिजल्ट को याद रखिए, 1240, और एनर्जी जो आप रखेंगे वो हमेशा आप ईवी में, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रखेंगे। तो ये चार रिलेशन आप याद कर लीजिए, दो रिलेशन आपके एनर्जी के लिए डायरेक्ट और दो रिलेशन आपके लैम्डा यानी वेवलेंथ के लिए, ठीक है, क्लियर है, कुछ है नहीं, बस चार फार्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट है भाई, जब आप लैम्डा को नैनोमीटर में रखेंगे तो 1240 प्रोडक्ट है, क्यों आ रहा है का कोई रीजन नहीं है यहाँ, प्रोडक्ट है ये, ठीक है। हाँ वो लिखते वक्त शायद शेक हो रहा हो कैमरा, ठीक है, इट्स ओके, मैं कल से इसको स्टेबल करता हूँ, ठीक है, फिक्स करके, डोंट वरी। समझ आया जी, समझ आया, एक बार बताओ समझ आया तो, एक सेकेंड, समझ आया, चलिए 1240 इट इज जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ एच इंटू सी, ठीक है। थर्ड का पीडीएफ, हाँ यार उसका पीडीएफ मिसिंग हो गया था, आई एम सॉरी अबाउट दैट, उसका पीडीएफ मिसिंग था, ठीक है, मैं उस चीज को अपलोड करता हूँ दोनों, आज और वो दोनों, ठीक है, थर्ड और फोर्थ दोनों का, ठीक है, चलिए जी। तो आई थॉट कि ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। सो ये आज का था जिसमें हमने एनर्जीज के बारे में पढ़ा, ठीक, क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो आज हम शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट, और देखो सबसे अच्छी चीज, इतने अच्छे से मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर क्यों पढ़ा रहा हूँ, देखो गधो थोड़ा ध्यान देना, इतने अच्छे से एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाने का मतलब ये है कि साथ ही साथ आपका मॉडर्न फिजिक्स जो है वो भी क्लियर हो, तो आप मॉडर्न फिजिक्स में भी ये सब चीजें यूज करेंगे क्योंकि वहां ये मिलेगा आपको, वहां ये एटम्स का पार्ट मिलेगा, यहाँ ड्यूअल नेचर का पार्ट मिलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो पढ़ा रहा हूँ वो भी मिलेगा, इवन डी ब्रॉगली पढ़ाऊंगा वो भी मिलेगा। तो ये पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर ना समझ लो अगर ढंग से पढ़ लिए, सो आधे से अधिक अगर न्यूक्लियाई वाला पोर्शन छोड़ दें तो तुम्हारा एटम जो है, ठीक है, एटम, ड्यूअल नेचर, मैटर, वेव वाला, वो सब क्लियर हो जाएगा। इसीलिए ढंग से पढ़ो, ठीक है, मैं जानता हूँ कि एमयू ट्रिपल ई में इस चैप्टर का वेटेज कम है, मुझे पता है, पर इसको ढंग से पढ़ाने का एक रीजन ये भी है कि फिजिक्स में इसके एप्लीकेशन को यूज करोगे और सेम ही है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में। तो अगर ढंग से एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ो, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, सीखो, ये वेटेज के चक्कर में ना पढ़ो, सीखने आए हो यहाँ, ढंग से सीखोगे तो सब कुछ सही रहेगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा मेजरली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रहेगा, और कोशिश करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा खत्म करते, समय बचता है तो बिल्कुल, नहीं बचेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई, क्योंकि मॉडर्न में काम आएगा यार ये बहुत, भले आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में सवाल इससे आए या ना आए लेकिन मॉडर्न में बहुत काम आएगा ये। सो मॉडर्न फिजिक्स में जो है वो बेसिकली इसके सवाल आपको मिलेंगे, ठीक है, और काम आएगा। क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है थोड़ा ध्यान से समझो, मैंने एक पिक्चर यहाँ लगा रखी है आप सभी के लिए, अब ये पिक्चर क्या है थोड़ा समझो, ठीक है, समझते हैं, देखो कैसे। एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था ना, एक एक्सपेरिमेंट था,
फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये एक एक्सपेरिमेंट था, और कौन कौन इजाद किया ये एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन निकला है, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस जो थे ये सारे आइंस्टीन आइंस्टीन साहब। तो आइंस्टीन जो है वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। एक्चुअली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है पहले समझो। देखो फोटो का मतलब होता है ना लाइट, सबको पता है फोटो का सेंस है लाइट, और इलेक्ट्रिक का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी टाइप वाला, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अच्छा समझना ये है हमको क्या है ये, देखो आप समझते हैं। देखो मैंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप का फोटोज आपको दे रखा है यहाँ, ठीक है। सो फोटोज का मतलब है लाइट, और ये थोड़ा यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, और इलेक्ट्रिक का मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी वाला ही समझो, ठीक है। अब देखो कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी और फोटो से रिलेटेड है, मतलब लाइट से इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से रिलेटेड है, उसके इफेक्ट को हम कैसे पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान से समझते हैं। आओ देखो जो मैंने यहाँ डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम को थोड़ा देखो। इसमें क्या है, इसमें तो एक पहले तो क्या है, एक वैक्यूम चैम्बर दिया हुआ है, दिख रहा है। वैक्यूम चैम्बर अगर समझ नहीं आता तो समझ लो कि ट्रांसपेरेंट ग्लास का चैम्बर है, ठीक है। क्या है, ट्रांसपेरेंट ग्लास का चैम्बर है। उसके अंदर एक तो है मेटल का सरफेस, मतलब कोई भी मेटल उठा लो, सोडियम उठा लो, पोटेशियम उठा लो, ठीक है, मैग्नीशियम उठा लो, कोई मेटल उठा लो, कोई भी एक मेटल का सरफेस लाओ, और उसको किधर राइट हैंड साइड में प्लेस किया गया है यहाँ, ठीक है, जो कि मेटल का सरफेस दिया हुआ है, ठीक है। अगले साइड में डिटेक्टर लगाई गई है, ठीक है। डिटेक्टर वही है कि जैसे अगर कोई पार्टिकल वहां जाएगा तो वो डिटेक्ट करेगा, मतलब इट मीन्स अगर फ्लोरोसेंट स्क्रीन टाइप डिटेक्टर लगा दोगे तो ग्लो करेगा, तो समझ आएगा, है ना। तो डिटेक्टर है एक तरह का। फिर बीच में देखो एमीटर लगा है। अब देखो एमीटर का काम क्या होता है, एमीटर का काम होता है करंट मेजर करना। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि यार फोटो इलेक्ट्रिक नाम क्यों पड़ा, क्योंकि पक्का कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी भी है इधर, है ना, तो समझेंगे अभी। फिर देखो बैटरी भी नीचे लगी हुई है, और फिर ये पूरा कनेक्शन को कंप्लीट किया गया। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। अब देखो होता क्या है इसमें, थोड़ा ध्यान से समझते हैं। आओ ये जो मेटल का सरफेस है ना, इसको मैं थोड़ा नीचे यहाँ ऐसे रफ डायग्राम में इधर बनाता हूँ, ठीक है। रफ डायग्राम में ऐसे समझाया जाता है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि तुम लोग को दिखे भी और समझ में भी आए। आओ देखो ये वो हमारा मेटल का सरफेस है, ठीक है। अच्छा मेटल की खासियत क्या होती है भाई, मेटल की खासियत ये होती है कि सर मेटल के सरफेस पे ना फ्री इलेक्ट्रॉन, एकदम ग्लू की तरह फ्री इलेक्ट्रॉन चिपके होते हैं। सबको पता है कि मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल है। सो मान लो कि ये पूरा ग्लू की तरह ऐसे मेटल के सरफेस पे ये खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े हुए हैं, है ना, होते हैं भाई, बिल्कुल होते हैं। अब आइंस्टीन ने क्या किया था ना कि इस पूरे, ये तो एक्चुअली तो पूरा बढ़िया तरीके सेटअप में किया गया था, यहाँ बैटरी लगाई गई थी, दिख रहा है तुमको, ठीक है। तो अब एक्चुअली हुआ क्या था, इसको रफली मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, इसी डायग्राम को रफली मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, थोड़ा समझो। देखो हुआ क्या था कि आइंस्टीन ने एक्चुअली आइंस्टीन ने यहाँ एक और था, ठीक है, वो बनाया नहीं गया है, यहाँ एक और चैम्बर ऐसे छोड़ा गया था ताकि बाहर से जो है वो लाइट एंटर कर सके। सो जैसे ही हमने बाहर से लाइट को इंसिडेंट कराया मेटल के सरफेस पे, तो हुआ क्या कि मेटल के सरफेस पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो तुरंत क्या हुए, बाहर निकल गए, यानी इजेक्ट हो गए, यानी मेटल के सरफेस इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, इजेक्शन हो गया, मतलब वो अपने सरफेस को छोड़ के मेटल से आ गए बाहर, ठीक है। तो एक्चुअली इसी फेनोमेना को, जो कि लाइट के हेल्प से अगर मैं मेटल के सरफेस से किसी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दे रहा हूँ, बाहर निकाल दे रहा हूँ, इसी फेनोमेना को नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या नाम दिया गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अब ये हुआ कैसे है? इसको थोड़ा समझते हैं। आओ देखो हुआ क्या कि जैसे ही हमने लाइट को इंसिडेंट कराया मेटल की सरफेस पे, ये हमारी लाइट आ रही है, ठीक है, वेव्स के फॉर्म में लाइट को ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये हमारी रेडिएशन के फॉर्म में ड्रॉ कर रहा हूँ। सो बेसिकली लाइट आई और मेटल के सरफेस से टकराई, और मेटल के सरफेस से टकराई और इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, मेटल के सरफेस से बाहर निकल गया, मतलब इजेक्ट हो गया, इजेक्शन हो गया। अब मन में सवाल बिल्कुल ये आ रहा होगा और लाजमी है आना कि भाई ऐसा क्या हो गया कि लाइट गिरी तो इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आ गए। अब याद करो जब मैं तुमको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ाई थी, तो मैंने क्या पढ़ाया था कि जो लाइट होता है बेसिकली उसके अंदर क्या होता है, एनर्जी ऑफ पैकेट्स की एनर्जी, एनर्जी जो होती है वो पैकेट्स के फॉर्म में होती है, पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था सर, और उन पैकेट्स को बोलते हैं फोटोन। इट मींस कि अगर मैं लाइट को इंसिडेंट कराया हूं तो क्या साथ में वो एनर्जी पैकेट फोटोन भी आए होंगे? हाँ बिल्कुल आए होंगे सर, मतलब लाइट को इंसिडेंट कराने का मतलब सिंपल सा मतलब क्या है, फोटोन को इंसिडेंट कराना, क्योंकि लाइट के एनर्जी पैकेट फोटोन है। हाँ सर ठीक है। तो जैसे ही हमने लाइट को इंसिडेंट कराया, यानी कि फोटोन को क्या करा, मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक कराया, इट मींस हमने जब लाइट को डाली तो हुआ क्या कि जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी फोटोन के पास थी वो जैसे ही मेटल के सरफेस के इलेक्ट्रॉन से टकराई तो वो सारी एनर्जी
उसने क्या करी, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दी, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास जो एनर्जी है वो एनर्जी बढ़ गई, कहा जाता है कि सरफेस की एनर्जी बढ़ गई, जिसके वजह से वो सरफेस पे लगे हुए न्यूक्लियर जो उसके न्यूक्लियस का जो बॉन्डिंग होती है, जो सरफेस की जो बॉन्डिंग होती है, उस सरफेस की बॉन्डिंग को तोड़ के, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई। अब तुम ऐसे सोचो ना कि अगर तुम्हारे पास खूब सारे पैसे आ जाते हैं तो तुम इधर पार्टी करने जाते हो, उधर पार्टी करने जाते हो, बेसिकली तुम्हारी एनर्जी बढ़ जाती है कि नहीं? तो बेसिकली वही चीज़ है कि अगर फोटोन आके इंसिडेंट हुआ तो उसने अपनी एनर्जी जो उसके पास पैकेट की एनर्जी थी वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दी, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो वो मेटल के सरफेस को छोड़ के बाहर निकल गया। और इसी पूरे फेनोमेना को नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाम फोटो इलेक्ट्रिक क्यों है, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ है तो फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, वो इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है। अगर वो इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है तो जैसे जैसे वो मूव करेगा, तो आपने क्लास 10 में या फिर और अदर क्लासेस में 12 में भी ये चीज़ें पढ़ी हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और क्योंकि ये सारा चीज़ किससे हुआ है, लाइट के हेल्प से हुआ है, तो लाइट को दूसरी भाषा में फोटो बोला जाता है। इसलिए इसके पूरे फिनोमेना का नाम क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब लाइट के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट शो होना। और ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप में मन में, चलो ये तो तुम्हारी बातें क्लियर हो गई कि सर लाइट तो गिरी, मेटल सरफेस दिखा, ठीक है डिटेक्टर की तरफ। अब देखो होगा क्या, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप से मैं तुम्हें थोड़ा समझाता हूँ। जैसे ही लाइट गिरेगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, अब ये इलेक्ट्रॉन भागेगा क्योंकि ये फ्री टू मूव है, तो अब ये वैक्यूम चैम्बर के अंदर भागेगा, और किधर भागेगा, डिटेक्टर की तरफ। तो जैसे डिटेक्टर पर जाकर हिट करेगा तुमको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, इजेक्शन हो गया है, ठीक है? तो ये तो चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। अब मन में सवाल ये आ रहा होगा कि सर ये नीचे बैटरी क्यों लगाई गई है, ये तो बिना बैटरी के भी किया जा सकता था, है कि नहीं? और ये एमीटर बीच में लगाया गया है, तो ये एमीटर और बैटरी ये दोनों का रोल क्या है, कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है? तो थोड़ा समझो और जानो। मैं पहले देख लेता हूँ कि इंगेजमेंट कितना है क्लास में, समझ में आया भी है कि नहीं अभी तक जितना मैंने बोला है? हाँ समझ आया है? सर आप क्लासेस की वीडियो पर डे फोल्डर में अपलोड क्यों नहीं करते हो, ओनली 3 वीडियो ही अपलोडेड की है भाई। अरे यार तो वीडियो का कोई डिमांड भी नहीं करता, मुझे लगता है कि वीडियो तुम लोग देखते भी नहीं हो, क्योंकि यूट्यूब पे भी फ्री है वीडियोज़ हैं, और इतने अच्छे से क्लास ही कर लेते हो कि एक बार नोट्स देख लोगे तो काम हो जाएगा। मुझे वीडियो अपलोड करना पड़ेगा तो ये भी बता दो, रोज़ बार डेली वाली वीडियोज़ अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? रिपीट सर, यार क्या रिपीट करें इसमें, रिपीट कर दीजिए, सबका लैग हो गया था। अच्छा, लैग हो गया था, ओके 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 ओके। अच्छा, देखो देखो मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। जैसे कि मैंने तुमको क्या बताया था कि वो जो रफ डायग्राम है मैंने मेटल के सरफेस का, ये मेटल का सरफेस है, ठीक है? तो मैंने बाहर मेटल का सरफेस जो है वो बना रखा है ना? अब यही जो पूरा सेटअप है इसको मैं बाहर थोड़ा निकाल के अच्छे से समझा रहा हूँ। अब इस सेटअप में जैसे ही हमने लाइट गिराई मेटल के सरफेस पे, तो मैंने तुमको क्या बताया था कि मेटल के सरफेस पे खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ग्लू की तरह चिपके होते हैं, सबको पता ही है, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। हाँ सर ठीक है। अब जैसे ही मैंने लाइट को गिराया मेटल के सरफेस पे, तो ये बताओ कि मैंने तुमको पहले प्लैंक क्वांटम थ्योरी में चीज पढ़ा दी है कि लाइट जो है वो क्या है, छोटे छोटे स्मॉल एनर्जी के पैकेट्स हैं जिसको हम फोटोन बोलते हैं, है कि नहीं? तो अगर मैं लाइट को इंसिडेंट करा रहा हूँ, लाइट को गिरा रहा हूँ किसी मेटल के सरफेस पे, तो दूसरी भाषा में तो कहें तो क्या लाइट के साथ साथ फोटोन भी तो आएंगे जिनके पास वो एनर्जी पैकेट होगी। तो अगर मैं सही से कहूँ कि लाइट एनर्जी जो है, लाइट एक एनर्जी का पैकेट है, तो अगर मैं लाइट को सरफेस पे गिरा रहा हूँ तो फोटोन अपनी एनर्जी लेके सरफेस पे आए, और सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन थे। अब क्योंकि फोटोन के पास वो एनर्जी है, तो जैसे ही फोटोन जो है वो मेटल के सरफेस के इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, बिल्कुल यहाँ यहाँ देखो, तो क्या होगा कि फोटोन के पास एनर्जी, अब वो अपनी एनर्जी किसको प्रोवाइड कर देगा, किसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि जैसे टकराव होगा तो उसके पास एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम फोटोन टू इलेक्ट्रॉन। अब जैसे इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आएगी तो वो क्या करेगा, मेटल के सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाएगा, तो हम क्या कहते हैं कि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। जैसे ही हमने लाइट को गिराई क्या हो गया, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने मेटल के सरफेस को छोड़ के बाहर निकल गए। क्यों भाई, क्योंकि एक्सटर्नल एनर्जी उनको मिल गई। जैसे मैं तुमको एग्जाम्पल देके समझाया ना, कि तुम खुद समझो ना एक बार, अगर तुम्हारे पास खूब सारे पैसे होंगे तो तुम इधर कूदते हो उधर कूदते हो, इधर पार्टी करते हो उधर पार्टी करते हो, इट मीन्स जब पैसे होते हैं तुम्हारी एनर्जी ज्यादा होती है। वैसे ही जैसे ही एनर्जी फोटोन से इलेक्ट्रॉन में आएगी तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी और वो मेटल के सर्फेस को छोड़ के बाहर निकल जाएंगे,
इस पूरे फेनोमेना को, इस पूरे प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। क्यों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं? क्योंकि फोटो का मतलब होता है लाइट, तो ये लाइट के हेल्प से हुआ है, क्योंकि लाइट गिरी है, फोटोन गिरा है तभी हुआ है। और इलेक्ट्रिक का मतलब ये है कि जैसे ही, यहाँ देखो मैंने इसमें बनाया भी है, कि जैसे ही लाइट आके गिरी तो ये मेटल के सरफेस इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल के इधर भागना शुरू कर दिया चैम्बर के अंदर। तो किधर भागेगा? टुवर्ड डिटेक्टर। इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकला वो किधर भाग रहा है? डिटेक्टर की तरफ भाग रहा है। तो जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो क्या जनरेट होती है? इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए इसका नाम दिया गया फोटो प्लस इलेक्ट्रिक, इट मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस पूरे फेनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अभी समझ आया? अभी समझ आया सबको? समझ आ गया? चलो, अब तो कोई रिपीट का टेंशन नहीं, अब तो कोई रिपीट का झंझट नहीं, सबको क्लियर है, सबको समझ आया, ठीक है। तो यही चीजें हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो बढ़ गई। अब सवाल मन में ये आ रहा होगा कि सर एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, चलिए ये तो समझ आता है, अगर मैं एमीटर और बैटरी दोनों हटा दूं तो भी तो ये हो जाएगा, फिर ये एमीटर और बैटरी का रोल क्या है? तो याद करो यार, क्या करो, समझो, अभी तो तुम लोग पढ़े भी नहीं हो, ठीक है, समझो, ये समझो कि ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो पूछा जाता है कि बैटरी का फंक्शन क्या है, कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बैटरी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में बैटरी का फंक्शन क्या है। अब देखो होता क्या है ना, कि कई बार जब हम लाइट इंसिडेंट कराते हैं ना, अब थोड़ा इस चीज को मैं थोड़ा मस्त तरीके से समझाता हूँ, ठीक है, आराम से, कैसे, एक नया स्लाइड लेते हैं और उस पर समझाते हैं। देखो समझो, मैं तुमको बैटरी का फंक्शन समझा रहा हूँ, एक सेकेंड, क्या हो गया, हाँ ये रहा, अभी मैं तुमको बैटरी का फंक्शन समझाता हूँ। देखो होता क्या है कि जैसे कि ये एक मेटल का सरफेस है, ठीक है, अब इसके सरफेस पे तो खूब सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ये सरफेस वाला एरिया, और सरफेस के अंदर भी तो पूरे मेटल में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मान लो कि मैंने लाइट को इंसिडेंट कराया इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, मतलब बेसिकली फोटोन को इंसिडेंट कराया। क्यों भाई? क्योंकि लाइट ही क्या है? फोटोन है। फोटॉन क्या है? लाइट की एनर्जी का पैकेट है। तो मैंने फोटॉन को बेसिकली एंटर कराया, तो वो अपनी एनर्जी लेके आया। अब वो जैसे एनर्जी लेके आया, मान लो उसने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी दे दी, ठीक, अब वो जो एनर्जी है वो ऐसा भी हो सकता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी क्या करे, जब वो एनर्जी ले लिया तो वो ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से टक्कर मारे। क्यों भाई? बिल्कुल हो सकता है, कोलिजन भी हो सकता है ना इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि खूब सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं यार मेटल के सरफेस पे। तुमने एनर्जी तो गिरा दी, लेकिन जैसे ही वो एनर्जी गिराई तुमने, तो इलेक्ट्रॉन अब उस एनर्जी को गेन किया, और हो सकता है कि वो अपनी एनर्जी क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आसपास होते हैं, तो वो जैसे ही दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया तो उसकी एनर्जी कम हो गई। क्यों भाई? क्योंकि कोलिजन में एनर्जी का लॉस होता है, ये सबने पढ़ा है, जब भी कोलिजन होता है दो बॉडी में तो एनर्जी का लॉस होगा। तो यहां जैसे ही वो एनर्जी को गेन किया और दूसरे अपने आसपास के इलेक्ट्रॉन से जैसे ही उसकी टक्कर हुई, तो उसकी एनर्जी और कम हो गई, ठीक है, वो निकल तो चुका है मेटल के सरफेस से, लेकिन वो अंदर ही कोलिजन कर रहा है। फिर पता चला ये जो बगल वाला इलेक्ट्रॉन है ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया। तो वो ऐसे होता क्या है ना, कि जितनी एनर्जी हम देते हैं इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी ले तो लेता है, लेकिन कुछ एनर्जी अंदर ही अंदर कोलिजन की वजह से लॉस्ट हो जाती है, तो वो सिर्फ मेटल के सरफेस से बाहर निकल के रह जाता है। मतलब एक्चुअली वो फ्री तो हो जाता है बॉन्डिंग से, लेकिन वो रहता मेटल के सरफेस पे ही है, उसके पास सफिशियंट एनर्जी नहीं होती है कि वो बाहर निकल के क्या कर सके, मूव कर सके, ठीक है। वो अपनी बॉन्डिंग को तोड़ तो लेता है, बाहर की एनर्जी जैसे उसको मिली तो वो बॉन्डिंग तोड़ लिया, लेकिन उसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि वो अपने सरफेस से आगे बढ़ पाए। मतलब अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट जो यहाँ दिया हुआ है इस डायग्राम में अगर मैं तुमको समझाऊं, तो मान लो कि लाइट गिरी तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल के मेटल के सरफेस पे ही रह गया। अब उसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं थी कि वो आगे बढ़ पाए। अब जब आगे नहीं बढ़ेगा तो देखो यही फंक्शन आता है बैटरी का। अब जैसे ही हमने बैटरी के दोनों एंड से क्या किया, कनेक्ट कर दिया, तो कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। आप देखो इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव, पोलैरिटी ध्यान देना, तो इधर पूरा क्या होगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो इधर पूरा पॉजिटिव नेचर हो जाएगा। अब जैसे ही मेटल फ्री होके, इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होके मेटल के सरफेस अभी चिपका हुआ है, उसके पास सफिशियंट एनर्जी नहीं है कि वो आगे बढ़ सके, तो होगा क्या, क्योंकि डिटेक्टर पे पूरा पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया है, डेवलप हो गया है, तो आपको सबको पता है कि अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज है और कहीं इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेंगे, क्योंकि अपोजिट नेचर के हैं तो अट्रैक्शन सो होगा, जिसके वजह से उसके पास एनर्जी नहीं भी होती है सफिशियंट, तो जो डिटेक्टर है वो अपनी तरफ क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करता है। सो
डिटेक्टर को मदद कौन कर रहा है? बैटरी। सो बैटरी का फंक्शन बेसिकली यही है कि वो इलेक्ट्रॉन जिनके पास सफिशियंट एनर्जी नहीं है मूव करने के लिए, वो क्या कराती है, बैटरी उनको वो एनर्जी देती है। इट मीन्स पोलैरिटी, एनर्जी नहीं कहेंगे, मतलब पोलैरिटी के हेल्प से उस इलेक्ट्रॉन को पुल करने का जो फंक्शन है वो बैटरी का है, इसीलिए बैटरी लगाते हैं। क्या आप चीज़ यह चीज़ क्लियर होगी कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बैटरी, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में बैटरी क्यों लगाया? समझ आया? समझ आया? बताओ यार। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इधर समझा दिया, बैटरी का फंक्शन मैंने इधर समझा दिया। बोलो क्लियर? अगर बोलो क्लियर तो मजा आया। बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, सो बेसिकली मैंने तुमको बैटरी का फंक्शन बता दिया। अब अगर एमीटर चाहते हो तो एमीटर भी समझ लो। अब देखो होगा क्या, यहाँ एमीटर भी तो लगा है। तो देखो अब जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल के सरफेस से डिटेक्टर की तरफ मूव करेंगे, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया है। हाँ भाई बिल्कुल, क्योंकि मेटल की सरफेस को छोड़ दिया, सो इट इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। और जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वहां क्या पैदा होता है, इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट, तो ये फिनोमेना जो है, ये पूरे फिनोमेना में जो एमीटर है वो इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है कि उस इलेक्ट्रॉन से जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसको, याद रखो जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसको खास नाम से बुलाते हैं, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वो जो इलेक्ट्रॉन निकलता है मेटल के सरफेस से उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली एमीटर क्या है, डिटेक्ट करता है कि फोटो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से कितना करंट पैदा हुआ। सो एमीटर का फंक्शन ये है कि जब भी इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन इट मींस फोटो इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ दिया और वो मूव कर रहा डिटेक्टर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा और उस इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट कौन करेगा, एमीटर करेगा। तो मैंने तुमको बैटरी का फंक्शन समझा दिया, मैंने तुमको एमीटर का फंक्शन समझा दिया, और ये पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे हुआ था, क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, वो ऐसे समझा दिया। और रफ डायग्राम में मैंने तुमको समझा दिया कि मैंने ये एक मेटल का सर्फेस लिया है, इस इलेक्ट्रॉन दिखाए, एनर्जी गिराई, तो फोटॉन जितनी एनर्जी लेके आया वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है और इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाता है। तो इस पूरे फेनोमिना को, इस पूरे कंप्लीट फेनोमिना को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ आया? बोलो। चलिए अगर समझ आ गया तो बारी है क्या, किसकी बारी है? बारी है नोट्स बनाने की ना। अरे नोट्स में तो समराइज करेंगे, ये तो बातें थी समझाने वाली। अब आओ लिखेंगे कैसे, नोट्स में डालेंगे कैसे, नोट करो। आओ देखो सबसे पहली चीज फोटो इफेक्ट क्या होता है, लिख लो, इट इज द फेनोमिना, या फिर इसको ऐसे लिख लो। हाँ मैं एक और चीज तुमको समझाऊंगा। अच्छा एक काम करते हैं ना, अभी एक और चीज तुमको समझाते हैं, उसके बाद कंप्लीट नोट्स वाला, जैसे हम एक नोट्स बनाएंगे ना लिख के, क्योंकि ये तो समझाने वाला पूरा पोर्शन चल रहा है। अब एक प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे कैसे, ठीक है, नोट डाउन कैसे करेंगे वो करेंगे। देखो अभी एक और चीज को मैं समझाता हूँ। अब देखो होता क्या है ना, एक और टर्म मैं तुम सबों से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, और वो होता है वर्क फंक्शन। एक टर्म होता है वर्क फंक्शन, जो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही पढ़ते हैं, ठीक है। वर्क फंक्शन एक टर्म होता है, अब इस चीज को समझो होता क्या है। ये देखो वर्क फंक्शन बेसिकली वो जो मेटल सरफेस हमने लिया है ना, उस मेटल सरफेस की एक प्रॉपर्टी होती है। वर्क फंक्शन बेसिकली एक प्रॉपर्टी है किसी भी मेटल की। हर मेटल का अपना अपना वर्क फंक्शन होता है, मतलब जैसे मेटल बदलेंगे तो वर्क फंक्शन बदल जाएगा। जैसे सोडियम का वर्क फंक्शन कुछ होगा, एल्यूमिनियम का वर्क फंक्शन कुछ होगा, मैग्नीशियम का वर्क फंक्शन कुछ होगा, पोटेशियम का वर्क फंक्शन कुछ होगा। तो ये मेटल की ना एक प्रॉपर्टी होती है। अब ये किस तरह की प्रॉपर्टी है, क्या है वर्क फंक्शन, आओ थोड़ा समझते हैं, फिर एंड में इस पूरे टॉपिक का समराइज नोट्स बनाएंगे, ताकि एक बार पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा क्या लिखा गया है, ठीक है। तो आओ देखो वर्क फंक्शन बेसिकली क्या होता है। जैसे मैंने तुमको समझाया कि कोई भी जो मेटल सरफेस है, ठीक है, ये हमारा एक मेटल का सरफेस है, इस चीज को समझ लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया ये एक्स मेटल है, और रैंडमली मैंने तुमसे बोल दिया कि इस एक्स मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो है 2 ev। अच्छा ev का मतलब, अरे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मींस क्या ये एक एनर्जी है, 2 ev? हाँ सर, देखो क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है कि एनर्जी की एक और यूनिट होती है ev। तो मैंने ये बोला कि मेटल सरफेस जो है, एक एक्स मेटल का सरफेस है, एक्स नाम का मेटल, ठीक है, मैं रैंडमली ले रहा हूं, और उसका वर्क फंक्शन है 2 ev। अब ये बताओ कि मैंने लाइट इंसिडेंट कराई, ठीक है, ऐसे मैंने मेटल की सरफेस पर लाइट इंसिडेंट कराई और हम बहुत खुश थे। क्यों भाई? क्योंकि हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझ रखा है। तो हम ये सोच रहे थे कि हम लाइट इंसिडेंट कराते हैं
और मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो हम देखते हैं कि हम ये एक्सपेरिमेंट कर पा रहे हैं या नहीं, हमसे करंट मिल रहा है कि नहीं। हम एमीटर लगा रखे, हमने बैटरी वैटरी सब सेटअप कर दी, मेटल का सरफेस एक्स नाम का मेटल उठाया हमने, जिसका वर्क फंक्शन हमको पहले से पता था कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका वर्क फंक्शन है, ठीक है। अब हमने रैंडमली लाइट इंसिडेंट करा दी उस मेटल के सरफेस पे, ठीक है। हम बहुत खुश थे, क्यों भाई, क्यों, हमको भी करंट देखने को मिलेगा, हमको भी देखने को मिलेगा कि करंट कैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअली वर्क करता है नहीं एक्सपेरिमेंट से। अब हुआ क्या ना कि मेटल के सरफेस जैसे हमने लाइट गिराई, तो वो जो मेटल के सरफेस जो इलेक्ट्रॉन ने होना क्या चाहिए था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कि मेटल के सरफेस इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाने चाहिए थे, लेकिन इस केस में जैसे हमने लाइट गिराई हमको ना कोई डिफ्लेक्शन दिखा, ना कोई एमिटर में रीडिंग दिखी, सब कुछ शून्य दिखा, मतलब सब कुछ जैसा था वैसा दिखा। अब हम हो गए परेशान कि यार हमने अभी पीछे पढ़ा कि जैसे ही हम लाइट गिराते हैं इलेक्ट्रॉन के सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, अगर यहां कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हुआ है, मीटर में कोई भी रीडिंग नहीं आई है, इट मींस कि क्या इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ है। बहुत कॉमन सा बच्चा, कोई भी छोटा बच्चा बता देगा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हुआ है, अगर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता तो वो किधर भागता, डिटेक्टर की तरफ, और एमीटर में रीडिंग देखने को मिलती। अगर सब कुछ नॉर्मल है इट मींस कोई इजेक्शन नहीं हुआ है। अब हम सोचने पड़ गए कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, तो मैंने तुमको क्या समझाया इस चीज से, समझो इस चीज से क्या क्या कंक्लूजन लेना है, इस चीज से समझो। कंक्लूजन ये लो कि कोई भी मेटल सरफेस जो है, जैसे मैंने यहां बोला कि वर्क फंक्शन उसका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इतनी अमाउंट की एनर्जी आपको लानी पड़ेगी तभी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। अब मान लो कि तुमने जो इंसिडेंट कराया उसकी एनर्जी 1.5 ev थी, तो तुम कतई तुम एक्सपेरिमेंट करते करते मर जाओगे, फिर भी मेटल की सरफेस से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, कितना भी कर लो। तुमने थोड़ी और एनर्जी बढ़ाई, तुम 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके आए, नो इजेक्शन, कोई इजेक्शन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का। तुमने थोड़ी और बढ़ाई, तुम 1.8 ev लेके आए, कोई भी इजेक्शन नहीं। तुम 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लाए, कोई इजेक्शन नहीं। हाँ, जैसे ही तुम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लाओगे, ये एनर्जी किसके बराबर हो गई, एनर्जी ऑफ फोटॉन के बराबर हो गई, तो इजेक्शन तो हो जाएगा। मतलब कि यहां इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल गया और क्या हुआ, फ्री तो हो गया, लेकिन अभी भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा भी कि नहीं। बस हम इतना कह सकते हैं कि जैसे ही हमने वर्क फंक्शन के बराबर उतनी एनर्जी इंसिडेंट करा दी, उतनी एनर्जी दे दी, तो वो इजेक्शन कर चुका है अपने सरफेस से। तो इससे क्या कंक्लूजन मिला, इससे ये सीख मिला कि वर्क फंक्शन सारे मेटल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है ना जो कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को दिखाती है। मतलब किसी भी सरफेस से अगर हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हर सरफेस, हर मेटल के सरफेस का एक मिनिमम एनर्जी क्राइटेरिया है, उस मिनिमम एनर्जी क्राइटेरिया को जब तक हम पार नहीं करेंगे तब तक इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। तो वर्क फंक्शन मेटल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि मिनिमम एनर्जी के क्राइटेरिया को दिखाती है कि यस, इस मेटल का इतना वर्क फंक्शन होना है, अगर इससे ज़्यादा एनर्जी लाओगे या इसके बराबर लाओगे तो इजेक्शन होगा, नहीं तो इजेक्शन नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब इस चीज़ को मैं तुमको एक मस्त तरीके समझाता हूँ, देखो कैसे। मान लो कि ये मेटल की सरफेस जो है, ठीक है, थोड़ा जोक में लेना, मजाक, कोई सीरियस नहीं लेगा, ठीक है इस चीज को। ये है तुम्हारी सुंदर कन्या जो है तुम्हारी गर्लफ्रेंड, ठीक है। अब हुआ क्या, तुम्हारे गर्लफ्रेंड को चाहिए, कौन सा नया वाला आईफोन आया अभी है, iPhone 15 है ना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को चाहिए iPhone 15, तो उसका मिनिमम एनर्जी क्राइटेरिया ये है, उसने तुमसे बोला कि भाई iPhone 15 लाओ तो ही तुम्हारे साथ चलूंगी, तो भाई तुम्हारे गर्लफ्रेंड का मिनिमम क्राइटेरिया है iPhone 15, ठीक है। और तुम Nokia 3310 लेके आ रहे हो, बताओ क्या वो तुम्हारे साथ जाएगी, नहीं जाएगी, तुम्हारा कट जाएगा। तुमने क्या किया, तुमने Nokia 3310 वो बटन वाली जो फोन आती थी ना वो तुम लेके आ रहे हो, है ना, और उसको चाहिए iPhone 15। अब बताओ क्या वो तुम्हारे साथ जाएगी, नहीं जाएगी। तो वैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो कहता है ना ना ना, मेरी जो मिनिमम वर्क फंक्शन है भाई वो तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तुम ठहरे फकीर गरीब आदमी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके आ रहे हो, कहां से जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या करेगी, चल निकल। और तुम क्या किए, और फिर तुमको गुस्सा आया, अब गुस्सा आया, तुम पढ़े है ना, और पढ़ लिख के मस्त जेई वेई निकाल लिया, IIT JEE में एडमिशन ले लिया है ना, IIT कॉलेज में या फिर कोई बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज में, तुम इंजीनियरिंग करने लगे और तुम्हारी पैकेज लग गई, कितनी मस्त वाली, 50 लाख वाली है ना, 49 LPA तुम्हारी पैकेज लग गई। अब 49 LPA पैकेज लग गई तो तुम्हारे लिए एक iPhone 14 क्या है, अब तुम इस बार 4 iPhone 14 लेके आ रहे हो।
अब जैसे ही तुम चार आईफोन 14 या 15 लेके आओगे, अब ये मेटल सरफेस जो यानी जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है वो क्या कहेगी, चलो चलो अब मैं तुम्हारी हूँ, आई एम ऑल योर्स। सो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है कि मेटल का सरफेस का मिनिमम क्राइटेरिया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर लाओगे या उससे ज्यादा लाओगे तो ही इजेक्शन होगा, तो ही जाऊंगी नहीं तो नहीं जाऊंगी, बस। तो समझ आ गया होगा। अब इससे फनीस्ट कॉन्सेप्ट कैसे दे सकते हैं? वाह सर मजा आया। हाँ तुम लोग को तुम लोग की भाषा में समझाना पड़ता है ना, इसलिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं आप सरफेस इलेक्ट्रॉन बोल दीजिए ना, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन या फिर रिजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन मेटल इज नोन एज वर्क फंक्शन। बस अब तो क्लियर है। अब देखो क्या क्या, देखो मैंने पूरा पोर्ट्रेट इफेक्ट ऑलमोस्ट पढ़ा दिया तुमको, मैंने फंक्शन बैटरी समझा दी, मैंने एमिटर समझा दिया, मैंने पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझा दिया, लाइट कैसे आएगा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कैसे होगा और कब होगा, किस क्राइटेरिया में होगा और कब नहीं होगा, ये भी समझा दिया और वर्क फंक्शन भी समझा दिया। बोलो क्लियर है और मजा आया तो बोलो मजा आया। बहुत सिंपल, बहुत सरल, बहुत साधारण भाषा में मैंने तुमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझा दिया। अब मॉडर्न पढ़ने जाओगे ना तो कहोगे अरे हटाओ ये तो पढ़ के आए हैं ये पढ़ के आए हैं, है ना जी। चलिए तो अब लिखने की बारी है, अब लिखने की बारी है, तो आओ लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं कि नोट्स में जो डालेंगे वो कैसे डालेंगे, ठीक है। तो ये यहां से हटा दिया जाए ना, शिट कॉपी नहीं किया ना इसको। चलिए जी आइए अब लिखने वाला काम शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, नोट्स में आप डालेंगे सब लोग, ठीक है, पीडीएफ आप सबको मिल जाती है, ठीक है। लिखिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है लिखिए, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट टू अ, इसको ऐसे समझ, इसको इस तरह से लिखिए और मस्त तरीके से लिखिए, व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी एंड सुटेबल वेवलेंथ इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड इजेक्टेड आउट, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड व्हाट, क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अगला पॉइंट समराइज करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है इसको क्या बोलते हैं भाई, अरे बताया तो, दिस दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन, को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इन इलेक्ट्रॉन से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट हो पैदा होता है, सो द इसको ऐसे लिख लो, उनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। द करंट फ्लोज ड्यू टू दीज फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, क्लियर, बताओ क्लियर हो गया। ये नोट्स है, सिंपली सिंपल सिंप्लीफाइड नोट्स हैं, नोट्स में पीछे का कुछ नहीं लिखना है क्या सर, अरे समझाने के लिए पीछे समझाया ना, अब तो मैं सिंप्लीफाइड वो सारे पॉइंट जो समझाया हूं, ठीक है। ये क्या बोल रहे हो, व्हाट्सएप नंबर ब्रो, ये सब पीछे क्या क्या हो रहा है,
व्हाट्सएप नंबर ब्रो मेरे समय नहीं आ रहा है, तो आपसे बात करके समझ आ रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। देखो नोट्स बेसिकली जो है वो क्या है, यही है ना, जो मैंने सारे पॉइंट पीछे पढ़ाए हैं उसको समराइज करके नोट्स में डाल दिया यार। अब ऐसा क्यों सोच रहे हो कि जो पीछे पढ़ाया हो उसको नोट नहीं करना है, जानबूझ के सिंपल बनाया ना, ताकि एक बार ये लाइन पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है चलिए, और भी पॉइंट्स हैं जो लिखेंगे जल्दी से इसके अंदर। ठीक है आइए, अभी तो मैंने समझा दिया तुमको कि ये फिनोमिना जो है इसको फोटो इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन निकले उसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी मैं तुमको समझा दिया। अब बैटरी का फंक्शन लिख लो, फंक्शन ऑफ बैटरी ये भी लिखवा देते हैं ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है तो लिख लो, द फंक्शन ऑफ बैटरी इज टू मूव या फिर पुल, इसको ऐसे लिख लो, पुल द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, किधर से, फ्रॉम फ्रॉम मेटल सरफेस टू डिटेक्टर, डिटेक्टर की तरफ, है ना। चलिए क्लियर है, अगर क्लियर है तो बता दो, क्लियर है। चलिए ये सब पीछे वाले पॉइंट थे, अब बारी है किसकी, अब बारी है वर्क फंक्शन समझने की ना। वर्क फंक्शन भी तो लिखना पड़ेगा ना, वर्क फंक्शन भी तो हमने समझा है, तो आओ वर्क फंक्शन लिख लेते हैं। समझ लिया हमने वर्क फंक्शन, अब लिखते हैं बस उसको नोट्स के फॉर्म में। वर्क फंक्शन क्या होता है लिखो, मैंने तुमको क्या बताया वर्क फंक्शन, वो मिनिमम एनर्जी, वो मिनिमम क्राइटेरिया। तो लिख लो कि इट इज दी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, जो कि जरूरी है टू इजेक्ट दी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, मतलब मेटल के सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन है उसको इजेक्ट करने के लिए जितनी मिनिमम अमाउंट की जरूरत होगी, मतलब जितनी मिनिमम एनर्जी की जरूरत होगी, उसी को वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट पार्ट नोट करना, देखो हर मेटल के लिए, जैसे सोडियम का वर्क फंक्शन सोडियम के लिए सेम रहेगा, ठीक है, तो बस जब मेटल बदलोगे तो ही वर्क फंक्शन बदलेगा। ठीक है, अगर एक ही मेटल बार बार यूज कर रहे हो तो उसका वर्क फंक्शन हमेशा सेम रहता है। मतलब अगर सोडियम का वर्क फंक्शन, जस्ट फॉर रैंडम में बोल रहा हूँ, अगर 1.1 ev है तो आप कितनी बार भी सोडियम को लगाओ उसका वर्क फंक्शन 1.1 ही होगा। मतलब हर मेटल के लिए वर्क फंक्शन कॉन्स्टेंट होता है, वर्क फंक्शन तब बदलता है जब आप मेटल बदलते हैं। क्यों? क्योंकि वर्क फंक्शन मेटल की ही प्रॉपर्टी है, तो जब तक मेटल नहीं बदलोगे, मतलब सोडियम से पोटेशियम नहीं करोगे, तब तक वर्क फंक्शन नहीं बदलेगा। क्लियर, तो नोट कर लो, डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट वर्क फंक्शन। अब देखो, अब एक और चीज बताऊं तुमको, एक और चीज बताऊं, देखो अगर कहीं आपने थ्रेशोल्ड एनर्जी नाम का कोई शब्द सुना है ना, मुझे लगता है कि सुने होगे तुम लोग, अगर कहीं थ्रेशोल्ड, हाँ वर्क फंक्शन वो एनर्जी ही है, थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर आप सुने हो, ठीक है ठीक, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को ही वर्क फंक्शन बोला जाता है। तो ऐसा कंफ्यूज नक्को होने का भाई लोग, कंफ्यूज नहीं होने का, क्यों, अगर कहीं थ्रेशोल्ड एनर्जी लिखा है ना, तो उसका मतलब वर्क फंक्शन ही है, थ्रेशोल्ड एनर्जी को ही वर्क फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, थ्रेशोल्ड का मतलब वो मिनिमम एनर्जी, तो चाहे वर्क फंक्शन बोलो चाहे थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलो, कंफ्यूज नक्को होने का, वर्क फंक्शन को ही थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अरे वो तो एक्सपेरिमेंटल डेटा है सबन भाई, वो एक्सपेरिमेंटल डेटा है, वो आपको गिवन होगा, दिया रहेगा, जब भी कभी सवाल आएगा हम थोड़े डिटरमाइन कर सकते हैं, हम थोड़े निकाल सकते हैं किसी मैटर का वर्क फंक्शन, वो पहले से एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। ठीक है, चिंता ना करो। ठीक है, ये था वर्क फंक्शन। ठीक, अब ये बताओ, अब इसमें एक और टर्म आती है, कभी सुने होगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन एक ही है, क्या कभी किसी ने थ्रेशोल्ड वेवलेंथ नाम का शब्द सुना है, वो भी है, तो आओ अब थोड़ा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी समझ लेते हैं। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ,
अरे यार, वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी समझ गए, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो कोई बात ही नहीं है पूछने की। अच्छा, ये मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ एक चीज, क्या फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है? थोड़ा चैट सेक्शन की तरफ चलते हैं, मुझे बताओ। फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हाँ बिल्कुल 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 हम हैं। ये बताओ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ लेमडा में क्या रिलेशन होता है? मैंने पीछे पढ़ा रखा है, झूठ मत बोलना, ठीक है, झूठ बोले कौवा काटेगा। पीछे पढ़ा रखा है, बहुत ढंग से पढ़ा रखा है, जब मैंने वेवलेंथ और इनवर्स, वेरी गुड, इनवर्स यानी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का उल्टा होता है, पढ़ाया तो था रेसिप्रोक। अरे रेसिप्रोकल ना बोलो भाई, रेसिप्रोकल ना बोलो, कुछ तो पढ़ाने का इज्जत रख लो। इनवर्स पढ़ाया था, इनवर्स इनवर्सली रिलेटेड होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पढ़ाया तो था, दिखाऊं कहाँ पढ़ाया था? जब मैं वेवलेंथ, वेव के बारे में वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पढ़ा रहा था तब, है ना? यस। तो ये बताओ इनवर्स का मतलब क्या होता है? कि सर जी, अगर एक चीज को आप घटाओगे तो दूसरी बढ़ेगी, उल्टा होता है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर कभी आप वेवलेंथ को बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो उससे फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। हमने पीछे पढ़ रखा है क्या, कि जो फ्रीक्वेंसी न्यू कह दूं अगर मैं, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के। इट मींस जो चीज मैक्सिमम होगी वो अपने आप उसके अपोजिट वाली क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बोलो। जो चीज मैक्सिमम होगी उसके अपोजिट वाली मिनिमम हो जाएगी। तो अगर मैं तुमसे कह देता हूं कि फ्रीक्वेंसी कहीं मैक्सिमम है, तो उसका मतलब क्या है कि वेवलेंथ क्या है, मिनिमम है कि नहीं? अगर फ्रीक्वेंसी कहीं मैक्सिमम है, इट मींस वेवलेंथ क्या है, मिनिमम है। तो ये बताओ, अगर मैं तुमसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछ रहा हूं, उससे भी पहले, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से पहले समझो मैं बताता हूं, देखो तीन चीजें होती हैं। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, अभी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है, एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे। देखो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से पहले ना थ्रेशोल्ड एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आती है। तो पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी समझो, फिर वेवलेंथ बहुत मस्त तरीके समझाऊंगा, देखो कैसे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अच्छा ये बताओ, पीछे हमने थ्रेशोल्ड एनर्जी पढ़ा, तो जो थ्रेशोल्ड के साथ क्या लगा, एनर्जी। इट मींस थ्रेशोल्ड का मतलब समझ लो मिनिमम है, वो मिनिमम है, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी इट मींस मिनिमम एनर्जी। वैसे अगर मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछूं, तो क्या तुम्हारे दिमाग में ये चीज हिट कर रही है कि सर पक्का यहां मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला क्राइटेरिया होगा? मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए ये था कि जो मिनिमम एनर्जी जरूरत है मेटल के सरफेस से बाहर निकालने के लिए, उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। वैसे अगर मैं उसी चीज को, बस एक शब्द एनर्जी को हटा के, जहां एनर्जी लिखा है वहां फ्रीक्वेंसी लगा दूं, तो बिल्कुल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। वो कहने का मतलब ये है कि द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वो फोटोन की उतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो ताकि वो इलेक्ट्रॉन के सरफेस इलेक्ट्रॉन को निकाल, मेटल के सरफेस इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, उसी को तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बात है सर, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब मिनिमम एनर्जी, वैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाए। ये क्लियर है, ये क्लियर है कि नहीं, ये बताओ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्लियर है, नाम से ही समझ लो ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब मिनिमम एनर्जी। वैसे अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करूं, इट मीन्स मिनिमम फ्रीक्वेंसी। समझ आया? सो बेसिकली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। इट इज दी मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड क्या, टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। ठीक है, ये समझ आया? बोलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी था तो थ्रेशोल्ड एनर्जी था तो मिनिमम एनर्जी, वैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी था तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी फोटॉन की, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे क्या हो, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाए फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। अब मैं तुमको समझाता हूं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब बोलोगे क्या सर क्या बात कर रहे, अब तो अपने ही समझ गए, अब तो एकदम अच्छे समझ गए होगे। अब ये बताओ, पीछे हम पढ़ा थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब मिनिमम एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो वैसे ही थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब, अरे वो मिनिमम वेवलेंथ है ना जी, बोलो है ना जी। हाँ, और यही खाओगे आप थप्पड़ सब लोग। यहां मिनिमम शब्द नहीं यूज होगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में मिनिमम वेवलेंथ नहीं, मैक्सिमम वेवलेंथ यूज किया जाता है। अब यहां चक्कर कंफ्यूज नहीं होना है, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, समझाऊंगा, आओ पहले लिख लेते हैं। अभी तक थ्रेशोल्ड के साथ हम मिनिमम लगाते आ रहे हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब मिनिमम एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी, लेकिन जैसे ही वेवलेंथ आया, सो ये मैक्सिमम हो जाता है,
सो इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, इट इज दी मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, मतलब मेटल की सरफेस से जितनी मैक्सिमम वेवलेंथ जो दी है कि आप इससे ज्यादा जाओगे ना इससे ज्यादा जाओगे ना तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा, ये मैक्सिमम क्राइटेरिया है, तो मैक्सिमम या फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहा जाता है। अब देखो ऐसा क्यों हुआ भाई, अभी तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम चल रहा था या मैक्सिमम? अरे वही चीज याद रखो ना कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इनवर्सली रिलेटेड होती है वेवलेंथ के, मतलब अगर किसी चीज के लिए फ्रीक्वेंसी जो है वो मिनिमम है सो उसी चीज के लिए वेवलेंथ अपने आप क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। अब बोलो अब ये टर्म चमक गया होगा कि मैक्सिमम क्यों है। यस, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम वेवलेंथ। अरे भाई अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है सो क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली रिलेटेड होते हैं तो अगर फ्रीक्वेंसी किसी चीज के लिए मिनिमम होगी तो उसके लिए वेवलेंथ तो अपने आप मैक्सिमम हो जाएगा ना जी, खुद बताओ 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 बताओ, अब समझ आया? कॉज दे बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। हाँ जी बोलो, क्लियर? अरे इतना मस्त तरीके से फोटोइलेक्ट्रिक समझाया यार, बोलो मजा आ गया? तो मजा आया बोलो, अगर मजा आया तो बोलो सर मजा आ गया, है ना? चलिए अब थोड़ा नोट कर लीजिए क्या कि ये बताओ फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एनर्जी क्या तीनों में कहीं रिलेशन पड़ा है? बोलो, झूठ मत बोलना। क्या फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एनर्जी तीनों का रिलेशन कहीं पड़ा है? क्या बात कर रहे हैं सर, अभी तो पीछे पड़ा है कि एनर्जी इक्वल्स टू एच एफ होता है या फिर एच सी बाई लेमडा होता है कि नहीं जी? बोलो है कि नहीं जी? है। तो अगर मैं वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तीनों को एक साथ लिखने जाऊं सो क्या मैं तीनों का एक फॉर्मूला बना सकता हूं क्या? कि अगर मैं, अब एक चीज और नोट कर लो, मैं ये चीज बताना भूल गया तुम लोग को हमेशा, ये यहाँ इंपॉर्टेंट है ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, इसको हमेशा फाई से डिनोट करते हैं, एक फाई सिंबल होता है। तो वर्क फंक्शन अगर कहीं फाई बनाया हो ना एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, अगर कभी पढ़ रहे हो या मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हो, अगर कहीं फाई बनाया है तो फाई का मतलब है कि वो वर्क फंक्शन दिया है ठीक है। अगर कहीं लिखा है फाई इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट तो आप समझ जाना कि वो किसी मेटल का वर्क फंक्शन का बात कर रहा है ठीक है, इसलिए मैंने फाई तुमको पहले बता दिया। अब तो अगर मैं तीनों का रिलेशन देख लूं, किसका, वर्क फंक्शन का, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का, तो क्या है समझो, वर्क फंक्शन क्या है, एनर्जी है। सो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, फाई इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा नॉट। बोलो क्या रिलेशन सही है, कैसे सही है, आओ समझा देता हूं। देखो तीनों को एक ही में हमने लपेट लिया ठीक है, तीनों को एक ही में लपेटा, देखो कैसे ठीक है। देखो और यही आपको फार्मूला याद रखना है, कभी भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछे सवाल में, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछे या वर्क फंक्शन पूछे, आप निकालेंगे किसे? मैंने एक रिलेशन लिखा फाई इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा नॉट ठीक है, जहां फाई क्या है तो वर्क फंक्शन है और न्यू नॉट या फिर इसी को एफ नॉट भी आप लिख सकते हैं, ये क्या है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और लेमडा नॉट क्या है, बोलो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। आप तो समझ आ गया होगा, तो ये एक रिलेशन होता है वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में, क्या रिलेशन होता है वो मैं साइड में लिखवा दे रहा हूं, ये होता है एच न्यू नॉट जो मैंने ऊपर लिखा है, या फिर वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में रिलेशन होता है एच एफ नॉट, या तो न्यू नॉट बोलो या एफ नॉट बोलो, और वैसे ही वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, एच सी बाई लेमडा नॉट। तो मैंने तीनों को ऊपर एक ही इक्वेशन में तो लिख दिया यार, मैथ का यूज करके बराबर कर दिया, क्या दिक्कत है? अब समझ आया क्या रिलेशन है तीनों में? बोलो सिर्फ लेमडा से नहीं होगा क्या? लेमडा, अरे लेमडा नॉट डिनोशन है भाई, लेमडा तुम्हारा वेवलेंथ हो सकता है, किसका, रैंडम किसी भी वेव का ना, लेकिन यहां हमने फोटोन की बात करनी है ना जी,
इसीलिए मैंने लेमडा नॉट, सिर्फ एक डिनोशन है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ थ्रेशोल्ड की वजह से, हाँ बिल्कुल नीतिक तोमर ने सही एक्सप्लेन किया, थ्रेशोल्ड के वजह से वहां लेमडा नॉट लग गया है, ठीक है, क्लियर, कॉपी हो गया माइंड में, वेरी गुड। चलिए सो ये रिलेशन था, आप याद रखिएगा, कभी भी अगर कभी वर्क फंक्शन दे के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अगर कभी वर्क फंक्शन दे के लैम्डा नॉट पूछ ले तो भी निकाल सकते हैं, कभी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, अरे रे रे, दो बार फ्रीक्वेंसी लिख दिया यहाँ मैंने, ठीक है जिसको सही कर लीजिए, दिस इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। पता फिर आप सभी कहोगे कि सर गलत पढ़ाता है ना, मास्टर गलत पढ़ाता है, नहीं गलत नहीं पढ़ाता है, हो जाता है कभी कभी गलती, ठीक है। तुम्हारा मास्टर भले कहीं से पढ़ के पढ़ा देगा लेकिन गलत नहीं, गलत गलत इन्फॉर्मेशन देने से बच्चों के दिमाग में वो चीजें बैठ जाती हैं, तो गलत नहीं देना चाहिए, ठीक है। समझ आया, समझ आया ना, बता दो, समझ आया ना। तो ये था, क्या था भाई, ये था फाई इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट एच सी बाई लेमडा नॉट। अब अभी फोटोलिटिक खत्म नहीं हुआ है भाई, अरे बड़ा है भाई फोटोलिटिक इफेक्ट, ठीक है, मॉडर्न के लिए भी पढ़ा ना तो ढंग से पढ़ोगे। अब फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, अब भैया ये क्या नया खेल है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट समझा क्या, बहुत अच्छी चीज समझी हमने, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट समझा, पूरा फंक्शन बैटरी समझा, मीटर समझा है ना, कैसे फोटो करंट फ्लो होता है, फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन है ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तीनों का रिलेशन, अरे काफी कुछ पढ़ लिया। आ जाओ अब फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन पे मैं बात करूंगा, हालांकि आज ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है, बट इंट्रो तो दे सकते हैं ना, ताकि कल के लेक्चर में आपके लिए एक्साइटेड रहो कि क्या पढ़ेंगे और फोटोइलेक्ट्रिक में, है ना। तो अभी लंबा चलेगा थोड़ा और, क्योंकि बहुत सारे ग्राफ प्रैक्टिस कराऊंगा, ग्राफ के सवाल प्रैक्टिस क्या वो कॉन्सेप्ट है तो सीखोगे, मैं तुमको पकड़ना समझा दूंगा, ग्राफ देख के समझा दोगे कि किसके किसके बीच का रिलेशन है, और सवाल पूछा जाता है कई बार, ग्राफ दे दिया जाता है और पूछा जाता है उससे, ठीक है। तो वो सब मैं तुमको पढ़ाऊंगा, इंटेंसिटी की बातें थोड़ी करेंगे आगे, ठीक है। तो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है थोड़ा समझो बस, अब इस चीज को तो मैं थोड़ा फिर से कल रिपीट करूंगा, बट अभी हल्का फुल्का समझ लो। देखो यहाँ दिया हुआ है क्या, एक फिगर देखो ध्यान से इस चीज को, इस फिगर में एक मेटल का प्लेट दिया हुआ है और उस पे जो निगेटिव है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहे हैं। अब इस फिगर को देख के तुम समझ सकते हो कि सर ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, आप तो देख के समझा देंगे, अब तो हमेशा आप सोए रहेंगे ना, आग उठा के पूछोगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है तो बता देंगे, है ना, अब बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। तो ये मैटर का सरफेस था, अब इस पर लाइट गिराई हमने, अब लाइट गिराई तो निगेटिव मीडियम तुमको दिख रहा है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऐसे लाइट गिराई तो इलेक्ट्रॉन निकला, इट मीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ। अब वर्क फंक्शन तो सर समझ लिए हैं, तो पता कर लेंगे कि हम मेटल के हिसाब से कैसा है, ठीक है। अब देखो होता क्या है ना, मैंने तुमको क्या बताया था कि जैसे ही ये मेटल के सरफेस इलेक्ट्रॉन निकला, तो मैं थोड़ा प्रेफर करता हूँ ज्यादा ना, फोटो तो तुम्हें समझाने के लिए है, मैं खुद से लिखना प्रेफर करता हूँ, तो मैं यहाँ समझाता हूँ खुद से लिख के। अब जैसे मान लो ये तो निगेटिव है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब मैं तुमको ये समझाना चाहता हूँ कि जैसे ही तुमने ऐसे लाइट को ऐसे सरफेस पे इंसिडेंट तो कराई, तो मैं तो समझ गया कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तुम कर रहे हो, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर, मान लो यहाँ से ऐसे आ गया बाहर, अब मैं तुमको क्या बताया था कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आता है ये क्या करता है, ये मूव करना शुरू कर देता है, भागने लगता है। तो जरा मेरे को ये बताओ कि अगर कोई भी पार्टिकल अगर मूव करता है तो क्या उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है? हाँ होती तो है। तो यहां मूव हुआ, तो ये बताओ, मैं तुमसे एक चीज बहुत मस्त के समझाऊंगा, बहुत आराम से समझो, इंट्रोडक्शन है ये थोड़ा। मैं तुमसे कह दिया ना कि ये जो मेटल है, लेट्स से ये ए मेटल है, और इस मेटल का जो वर्क फंक्शन है ये मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, ज्यादा है थोड़ा, 5 इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन है, ठीक है। और तुमने जो एनर्जी गिराई वो गिराई 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ठीक है। अब मैं तुमसे ये बात जानना चाहता हूँ कि 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी गिराई, ठीक है। अब मान लो मैंने इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ा, तो इसने क्या किया, क्योंकि इस वर्क फंक्शन का मिनिमम क्राइटेरिया कितना है, 5, तुमने गिराया 8, तो 8 तुमने गिराया और 5 इस इलेक्ट्रॉन ने खा लिया, तो बचा कितना सर, चीज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये लेफ्ट एनर्जी है जो उस इलेक्ट्रॉन के पास है ना। अब ये बताओ अगर किसी भी पार्टिकल के पास है ना एक्स्ट्रा एनर्जी होती है तो वो क्या करता है, जैसे तुम्हारे पास खूब सारे एक्स्ट्रा पैसे होंगे तो तुम भागोगे ना खूब, है ना, इधर दौड़ोगे उधर दौड़ोगे, है ना, गाड़ी में तुम्हारे गाड़ी में फुल पेट्रोल है तो उस गाड़ी को खूब दौड़ाओगे। वैसे ही ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन बहुत चालाक होता है, जैसे ही ये एक्स्ट्रा एनर्जी मिला इसको वो तुरंत भागना शुरू कर देगा, मतलब इस एक्स्ट्रा एनर्जी को वो काइनेटिक एनर्जी में बदल के मूव करना स्टार्ट कर देगा। ओ मतलब कि अगर एक्स्ट्रा गिरा दिए तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सरफेस से निकलेगा, इजेक्शन होते ही देखेगा हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा है, भागो,
मतलब इस जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो बची है ना, जो तुमने गिराई और जो मेटल सरफेस था उससे एक्स्ट्रा एनर्जी तो निकली, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी की तरह यूज करता है और वो मूव करना शुरू कर देता है, उसी की वजह से तो फोटो करंट आता है। सो बेसिकली ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कल के लेक्चर में होगा ये इसी पे बेस्ड होगा, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है आपके मॉडर्न फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आप कोई मस्त वाला कंपटीटिव एग्जाम दे रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन है ना जेई और नीट इम्यूट्रिपली में तो बहुत कम देखने को मिलता है इस पूरे चैप्टर से। हाँ फिजिक्स में इसका यूज इम्यूट्रिपली में भी होता है, तो फिजिक्स के ढंग से इस चीज को समझो और कल बहुत मस्त तरीके से पढ़ेंगे इसको कि भाई इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल इतने मस्त तरीके से पूछे जाते हैं ना, बहुत घुमा फिरा के न्यूमेरिकल इससे इसे इक्वेशन से पूछे जाते हैं। तो ये इक्वेशन मैं तुमको इतना अच्छे से समझाऊंगा ना कल कि दोबारा कभी किसी क्वेश्चन के लिए नहीं भूलोगे, ठीक है? दोबारा कभी किसी क्वेश्चन के लिए ये फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन लगाना सिखा दूंगा। अब प्रैक्टिस तो अभी बाकी है, अभी तो पढ़ाया जा रहा हूँ, अभी प्रैक्टिस लेके आऊंगा, और जब प्रैक्टिस लेके आऊंगा ना सेशन में तो और मस्त मस्त सवाल जितने पीछे पड़े हैं ना सबका यूज करेंगे, और मैं तुमको बताऊंगा कि कंटेंट जो है वो मेरा कितना एग्जाम ओरिएंटेड सटीक कंटेंट है, सही कंटेंट है, ठीक है? समझ आया? हाँ बिल्कुल अपलोड करेंगे, बिल्कुल अपलोड करेंगे। अरे बता देंगे यार, कितनी बार पूछोगे एक ही चीज को कि केमिस्ट्री का कितना हाई वेटेज है, ठीक है? चलिए तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।